अच्छी और खूबसूरत चीजें, है फन कोई सा भी हो उसमें अगर इंसान कमाल हासिल कर ले तो उसको शोहरत भी हासिल होती है और लोग इज्जत भी हासिल हो जाती है लेकिन यही इल्म हुनर और फन इंसान की बर्बादी का बायस भी बनते हैं वो इस तरह से कि अगर इंसान की फन हुनर और बेबसीरत हो जाए उसमें बसीरत शामिल ना हो तो एल्म, हुनर और फन उसकी तबाही का बायस बनते हैं। इसको मौलाना रोम ने बहुत खूबसूरत मिसाल के साथ वाज किया है कि अगर एक शख्स के पास तलवार है लेकिन उसके पास हुनर नहीं है एल्म की मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक शख्स के पास तलवार हो लेकिन तलवार चलाने के फन से वो आगा न हो तो वही तलवार उसकी हलाकत का सबब बन जाएगी कि कोई भी तलवार चलाने का माहिर शख्स अगर उसके मुकाबले पर आएगा तो इसके अनाड़ीपन से वह तलवार टूट जाएगी उसके हाथ से और ये हलाकत जाएगा तो अगर इल्म हुनर और फन इनमें बसीरत ना हो तो फिर वो तबाही का बायस बनती है और अगर इनके साथ बसीरत शामिल हो जाए तो फिर इंसान शोहरत और इज्जत के कमाल को जा पहुंचता हैकर हम अक्सर मिलते रहते हैं उनकी तलाश में भी रहते हैं अगर कोई हमारे पहुंच में आ जाए कोई अल्लाह तो फिर हम उसके हाजिरी देते रहते हैं लेकिन अल्लाह के पास जो इल्म है उसमें बसीरत भी शामिल है हम अपनी कम इल्मी की बिना पर उस एक बारीक से फर्क को कभी महसूस नहीं कर पाते कि ये बंदा नूरे हक से नवाजा हुआ है या जुल्मत से नवाजा हुआ है इसलिए कि हमारी नजर तो सिर्फ इस बात पर रहती है कि जिस शख्स के पास हम गए हैं उससे कोई करामात हमने देखी या नहीं देखी वो साहेब कशफ है कि नहीं है यहां कई बार इस बात का तस्करा हुआ कि जिस चीज को हम गलती से ये समझे बैठे हैं कि वो वलायत का कमाल है कि उसे कश्प हासिल है और उसे करामात हासिल है दर हकीकत वो तो वलायत का पहला ही कदम है मुशाहिदा है वली अल्लाह को वो उसको पहले कदम के तौर पे हासिल होता है हम उसको कमाल समझते हैं कल तो पहले ही कदम पर हासिल हो जाती है वली का कमाल तो यह है कि उसे मुशाहिदाए हक हासिल हो वो मुशाहिदा है कि जब वो हक का मुशाहिदा करने लगे तो फिर यह समझा जाएगा कि वो वाकई वलायत के किसी मकाम पर आया है हमारे यहां अजीब दस्तूर हैं कि हम किसी फकीर के पास जाते हैं तो पहले तो उसको हम परखते हैं उन मायारों पर जो हमने खुद कायम कर रखे हैं अपने जहन में और आमतौर पर वो मैार गलत इसलिए होती हैं कि हम रूहानियत को समझते ही नहीं तो को नहीं समझते तो धोखा खाए हुए होते हैं कि अगर किसी शख्स ने आपको ये बता दिया कि साहब के घर में फला जगह आपका बेडरूम है उस बेडरूम में फला जगह आपका बेड बिछा है उसके बेड साइड टेबल पर फला चीज पड़ी है तो हम ये समझेंगे कि वो बहुत आला मकाम को पहुंचा हुआ है कुछ भी नहीं है उसकी हकीकत ही कोई नहीं अगर किसी शख्स ने बता दिया कि दो महीने के बाद आपका यह काम हो जाएगा तो हम ये समझते हैं कि वाह बाबा कमाल अल्लाह है। सच्चाई ये है कि वो कुछ है ही नहीं वो तो बेचारा अभी तस्वीर पर उसने चलना सीखा है कदम उठाया हमें चूंकि खुद दौड़ना नहीं आता तो हमने किसी शख्स को दौड़ते देखा तो यह समझेंगे कि यह तो ओलंपिक्स में अगर चला जाए तो गोल्ड मेडल जीत आएगा ओलंपिक्स में इसलिए कि हम खुद वाकिफ नहीं उससे हालांकि हो सकता है कि उसके दौड़ने का स्टाइल ऐसा ना हो कि वो जीत सके हो सकता है कि उसकी रफ्तार वो ना हो जो कि वो ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल जीत सके लेकिन हम अपनी कमी कम इलमी की बिना पर ये समझेंगे कि वो गोल्ड मेडल जीत लेगा कि खुद हम दौड़ना नहीं जानते जो वाकई मुशाहिदा हक कर रहा है अल्लाह उस मकान पर है जहां हक हासिल है उसे वो कतराने लगता है मुशाह की इस अदना तरीन सतह पर जाने से क्योंकि उसे अपने मकाम से नीचे उतर कर आकर ये दुनिया का मुशाहिदा करना पड़ता है दुनियावी मामला का मुशाहिदा करना पड़ता है तो वो कतराने लगता है हम जाके फकीर से दुनिया की बात करते हैं वो खोया है मुशाह हक में हम उससे उस, उस चीज की बात करना चाहते हैं जिसके बारे में वो बखूबी आगा है कि अल्लाह के नजदीक यह हकीर तरीन चीज है वो कतराता है कि मैं उस चीज का जिक्र क्यों करूं उस चीज के मुशाहदे में क्यों जाऊं जो अल्लाह को के सामने हकीर है नतीजे यह है कि जब हम बार बार उससे दुनिया की दुआओं का कहते हैं तो फकीर तिरने लगता है और वो मजबूर है कि वो अपने इरिटेट होने का इजहार आप पर नहीं कर सकता मुझ पर नहीं कर सकता इसलिए कि उसके नजदीक हम काबिल एहतराम हैं कि हम उसके रब के बंदे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर उड़ता है इस बात पर और फकीर की बारे में एक चीज हमें याद रख लेनी चाहिए आपके बुजुर्ग भी और मेरे बुजुर्ग भी हमेशा एक बात हमें कहते थे कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि कोई फकीर तुमसे चिड़ ना जाए तो नुकसान होगा हो ही जाता है कि जब मैं जा किसी फकीर से जाके दुनिया की दुआएं कराता हूं दुनिया की बात करता हूं तो चिड़ता है वो अंदर ही अंदर खोलता है कि वो बात करना ही नहीं चाहता उसके नजदीक उसको मालूम है कि ये चीज बड़ी हकीर है रब की नजर में उसे दूर रहना चाहेगा लेकिन मैं उसे फोर्स करूंगा दुनिया की बात करने पर दुनिया की दुआ करने पर तो जब वो अंदर से इरिटेट हुआ हुआ होगा तो भले लाख वो दुआ करे उस दुआ में असर नहीं आएगा लेकिन अगर आप कहीं उससे हक की बात करना शुरू कर दें, इल्म की बात करना शुरू कर दें रब की बात करें तो बहुत ही खुशी से आपसे गुफ्तगु करेगा वो और उसके खुशी के इजहार का इजहार हो जाएगा वो इस तरह से कि जब वो रब की के बारे में बात करेगा तो उसकी आवाज में एक अजीब खुशी और जोश आप महसूस करेंगे उसके फे उसका फेस चेंज हो जाएगा उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आएगा इसलिए कि वो खुश हो रहा है रब की बात करके वो अंदर की खुशी है जो उसके चेहरे पर जाहिर होने लगी है तो जब फकीर खुश होगा तो वो फायदे का सबब बन जाएगा दूसरों के लिए इसलिए कभी आप देखिए कि वो लोग जो फकीर के पास जाके बार बार दुनिया की दुआएं कराते हैं एक आध बार तो फायदा हो जाएगा लेकिन उसके बाद वो फायदा नहीं होगा उसे लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो फकीर के पास जाते हैं लेकिन दुआ का नहीं कहते कोई दीन की बात कर ली हक की बात कर ली तस्व की बात कर ली रूहानियत की बात कर ली आप वसल्लम के बारे में बात कर ली उठ के चले गए फायदा मिलने लगता है। इस जमाने में यहां मैंने जिक्र किया था कि मैं एक बुजुर्ग के पास दिन के पास जाके बैठता था रब ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए तो मैंने एक बार दुआ करा ली दुनिया की वहां कुछ औली अकर भी आते थे हसूल इल्म के लिए एक बार दुआ के लिए कह दिया के महीने दो महीने के बाद दूसरी बार दुआ के लिए कह दिया उन्हें अपने मुर्शे साहब तो से तो जब सेकेंड टाइम मैंने दुआ के लिए कहा हम अपने मुर्शे साहब के पास से उठे तो वो गलमन तीन या चार बल्ले अल्लाह से जो आया करते थे तो कार तक मुझे छोड़ने आए तो उनमें से एक अल्लाह होने इसकी जजा आता फरमाया कि उन्होंने बड़ा सही रास्ता मुझे बता दिया उन्होंने कहा कि शाह साहब गुस्ताखी तो है लेकिन एक अर्ज आपकी खदमत में हम करना चाहते हैं हुक्म कीजिए क्या है तो उन ने कहा कि आप मुर्शे साहब से दुआ करना कहा कीजिए तो उस वक्त मुझे बात समझ नहीं आई थी कि तो मुझे मना क्यों कर रहे हैं लेकिन चूंकि एक साहिब इन ने मुझे कहा था और अपने साथियों के बिहा पर भी उन्होंने कहा मुझे तो एहतरामन मैंने उनसे कहा कि ठीक बहुत अच्छा आइंदा ये गलती नहीं होगी उसके बाद बहुत साल अपने मुर्शे साहब की खिदमत में हाजिर होता रहा मैं लेकिन फिर उस नसीहत को पकड़ा मैंने कभी दुआ का नहीं कहा मुर्शे साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए चले गए उनके जाने के भी काफी अरसे के बाद यह राज मुझ पर खुला कि मुझे मना क्यों किया गया था उन लोगों ने मुझे मना क्यों किया था कि मुर्शी साहब से दुआ करना कहा करें हम जब फकीर के पास जाते हैं तो दुआ की बात ना करें दुनिया भी दुआ की आप इल्म की बात कीजिए देखिए किस खुशी से वो बात करता है और दुआ न कराने के बावजूद किस तरह से फायदे हासिल होते अब ये जो फायदा है ये भी एक रिलेटिव टर्म है ये डिपेंड करता है कि मैं किस चीज को फायदा समझता हूं किसको नुकसान अगर हो सकता है कि मेरी नजर में फायदा ये हो कि रब ताला मुझे दुनियावी माल दे, दे मिल जाएगा वो भी नहीं रुकता और अगर अल्लाह ने मुझे कुछ हिदायत तथा फरमाई है रब की नजरें इनायत है उसके रसूल अलैहि वसल्लम की नजरें इनायत है तो शायद मैं फायदा इसको समझूं कि मुझे हकीकी हकी मिल जाए वो हकीकी हकीम जो है उसका जब अदराक होता है कि मुझे मिला क्या तो फिर इंसान अज खुद कहता है कि भाई फायदा यही था मैंने यहाँ आप हजरात की खिदमत में एक वाक बयान किया था कई साल पहले अगर रेपिटेशन का खौफ ना हो तो मैं दोबारा वो आपसे सुना दूं कि आपकी तरह का एक आदमी था अल्लाह ने उसके दिल में शौक डाला कि वो हकीकी इल्म सीखे, अल्लाह की राह पर चले तस्वुफ की राह पर चले रूहानियत हासिल कर ले तो वो एक साहब मशहूर थे बहुत असली फकीर हैं, उनके खिदमत में जाके बैठने लग गए कुछ तीस पैंतीस साल सीखते रहे उनसे तो एक वक्त आया कि मुर्शद साहब ने उनके कहा कि अब आप इल्म की तकमील को पहुंच रहे हैं यह आखिरी चिल्ला है जो चालीस दिन का तुमने करना है लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दुनिया से कट जाओ दुनिया के साथ ताल्लुक न रहे ताकि तुम्हारा जहन डिस्ट्रैक्ट ना हो ये जो दुनिया की मसूफियात हैं ये असल में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हैं तो उसका एक हल यह है कि शहर से बाहर जो जंगल है उस जंगल के एन सेंटर में जाके बैठो ताकि गुजरने वाले तुम्हारी तो भटका न दें चालीस दिन तुम्हें हो जाएंगे तो फिर आना जब तुम उस जंगल से निकल रहे होगे बाहर तो एक शख्स मिलेगा जो तुमसे ये कहेगा कि तुम्हें क्या चाहिए तो लाख तुम्हें वो लालच दे लेकिन तुमने एक ही बात पर कायम रहना है कि मुझे इल्म चाहिए वो साहब जितना भी खाने पीने का सामान ले जा सकते थे अपने साथ लेकर उस जंगल में चले गए और जंगल के दरमियान में बैठ गए तो ये बात में मसरूफ हो गए जाहिर है कि वो लिमिटेड सामान था कुछ दिन के बाद खत्म हो गया तो बाकी दिन उन साहब के फाके और प्यास में गुजरे जब चालीस दिन पूरे हुए तो इनकी हालत बिगड़ी हुई थी भूख और प्यास से बुरा हाल तो ये जंगल से बाहर निकले तो जो जंगल के किनारे पर पहुंचे तो सामने से एक साहब आए और उन्होंने कहा कि रब्ताला तुम्हारी इबादत से खुश हुआ और रब ने मुझे तुम्हारे तरफ रवाना किया है कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दू तो बोलो क्या मांगते हो तो साहब ने कहा कि मुझे इल्म दे दें तो फरिश्ते ने कहा कि पागल हुए हो अपनी हालत देखो जरा भूख के मारे और प्यास के मारे हाल क्या है तुम्हारा तो इलम को चाटोगे तुम्हारे किस काम का इलम इस वक्त कोई ऐसी चीज ले लो जिससे तुम्हारी भूख और प्यास खत्म हो आइंदा की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो उन फरमान याद था उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं मुझे इलम दे दो तो थोड़ी सी तकरार के बाद फरिश्ते ने कहा कि ठीक है मुझे तो हुक्म है तुम्हें दे देने का अगर तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो इम मांग रहे हो तो ले लो इल्म ले लो और वो चला गया तो साहब को इल्म मिल गया तो जमाना पुराना था पैदल पैदल सफर होता था तो ये चले जा रहे थे रात हो गई तो दस्तूर के मुताबिक जो गांव सामने आया उन्होंने वहां दस्तकदीर मकान पर कहा कि मैं मुसाफिर हूं मुझे रात गुजारना उन साहब ने कहा कि हाँ हमारे गांव में एक मुसाफिर खाना बना है मेहमान खाना जिसमें मुसाफिर रात गुजारते हैं तो आप भी आ जाइए चलिए तो इनको ले गए वो जाके मेहमान खाने में ठहरा दिया खाना वाना खाया रात को ये इबादत कर रहे थे ये साहब तो इन्हें गांव में लोगों के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दी और रोने पीटने की तो इन्हें ख्याल आया कि इन लोगों ने मुझे पना दी है रात गुजारने का तो देखो तो हुआ क्या इन्हें तो दरवाजा खोल के बाहर एक साहब जो जा रहे थे उनसे पूछा कि क्या हो गया खैरियत है जो रो पीट रहे हैं लोग तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे कबीले का एक जो सरदार है उसका एक ही अकलोता बेटा है वो आखिरी सांस ले रहा है उन्होंने तो कहा कि क्या हुआ क्या काफी अरसे बीमार था और ये बीमारी थी उसको इन्हें चूंकि इलम मिल गया था तो इन्होंने एक लम्हे को आंखें मन की और कहा कि ऐसा करो ये हर घर के बाहर आपके के एक बूटी उगी हुई है उससे पत्ते पत्ते तोड़ो और मसलो उससे जो रस निकलेगा उस बच्चे के हलक में टपका दो तो बच्चा ठीक हो जाएगा उस शख्स ने जाके अपने सरदार से कहा तो सरदार ने सोचा कि बच्चा तो हाथ से जा ही रहा है ये भी कर लेने में क्या हर्ज है तो उन्होंने वो बूटी तोड़ी और उस उंगलियों में मसला जो रस निकला वो बच्चे के हलक में टपका लिया सुबह तक बच्चा काफी बेहतर हो गया हुआ था तो सरदार ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मुझ पर एहसान किया है मेरा बेटा बच गया अब तुम मुसाफिर नहीं बल्कि मेरे जाती मेहमान हो। अब यहाँ कुछ देर को तो इशार करके इन्हें रोक लिया सरदार के मेहमान के तौर पर ठहर गए दो चार दिन गुजरे तो पता चला के नकारा बज रहा है गांव में पूछा क्या हुआ क्या जी वो और उसमें जो कबीला रहता है उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो जंग की तैयारी कर ली है नकारा बजाया जा रहा है ये मकान की छत पर चढ़कर जन जंग का नजारा करने लग गए उन्होंने तो महसूस किया कि जिस गांव के ये मेहमान हैं उसके लोग दब रहे हैं और शिकस्त हो रही है उन्हें तो इसने एक आदमी को बुलाया और कहा कि जाके सरदार से कहो कि ये मनोवर कर ले और इसके नतीजे में फतह हो जाएगी सरदार ने वो मनोवर कर ली नतीजा हुआ कि दूसरे के दूसरे कबीले को शिकस्त हो गई तो रात को जब फतह का जश्न मनाया तो उसमें सरदार ने लोगों से एड्रेस किया और कहा कि ये जो हमारे मेहमान हैं, ये कोई साहिब इलम लगते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस कबीले के सरदार होने का हक इन्हें ज्यादा है मेरी निस्बत तो मैं इनके हक में दस बरदार हो रहा हूं आज से ये आपके सरदार हैं तो यूं दुनिया में मिल गई इन्हें कबीले के सरदार हो गए तो उस पर फिर इन्हें ख्याल आया कि मुर्शिद़ की बात में हिकमत क्या थी अगर मैं उस वक्त कोई दुनिया की चीज मांग लेता तो कुछ अरसे में खत्म हो जाती तो इल्म मांगा तो इल्म हासिल होने के नतीजे में इल्म भी आया और दुनिया भी आ गई तो जब हम फकीर के पास जाके बैठते हैं और उससे दुनिया का सवाल नहीं करते उसे दुनिया की दुआएं नहीं कराते बल्कि उसके साथ इल्म की बातें करते हैं तो हम असल में उससे इल्म ले रहे होते हैं क्योंकि इंसान के लिए इल्म के हसूल के रास्ते दो ही, हैं वो मुशाह से सीखता है चीजों को सुनने से सीखता है टच करने से सीखता है और चखने से सीखता है मालूमत होती तो जब उन को इंसान काम में ले आता है तो मालूमत नहीं रहती बल्कि इल्म हो जाती है तो यू हम फकीर से जो इल्म लेते हैं उसके नतीजे में हमारे अंदर फेहमो फरासत पैदा होती है बसीरत आती है और उसके नतीजे में दीन के भी उकदे खुलते हैं हम पर और दुनिया के मसाइल भी हल होने लगते हैं आसानी के साथ और अगर हम सिर्फ दुनिया की दुआ कराते रहें तो फकीर भी नाराज हुआ हमसे और हासिल भी सिर्फ दुनिया हुई जिसकी कोई कीमत नहीं है यही वजह है कि जब हम फकीर के पास जाके शागिर्दी इख्तियार करते हैं उससे इलम लेने लगते हैं बाजाबतः शागिर्दी के बाद तो वो फकीर जो पहला काम हमारे साथ करता है वो ये करता है कि हमारे दिल से दुनिया की और दुनिया के सामान की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल देता है क्योंकि फसाद की जड़ यही मोहब्बत बनती है और जब ये दुनिया की मोहब्बत और माले दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाती है तो फिर इंसान भटकता नहीं है दूसरी चीज जो हमें तंग करती है वो हमारी अना है हमारे दिल में कदरत जो पैदा होती है कीना पैदा होता है दूसरे इंसान के लिए हकारत पैदा होती है गुस्सा पैदा होता है वो डायरेक्टली नतीजा है असल में अना का तो जब वो दूसरा सबक पढ़ाता है फकीर हमें तो ये पढ़ाता है कि कोई शख्स तुम्हारे साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना कर ले तुमने दिल में उसे बुरा नहीं समझना है तो वो अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं सिखाने का तरीका हर इंसान का मुख्तलिफ हो सकता है हर फकीर का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा कोई फकीर आपको ये कह सकता है कि देखो भाई माफ कर देना है। सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ना किसी को बुरा समझा ना किसी से बदला लिया ना किसी के बारे में बुरा सोचा फिर मोहब्बत की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खके खुदा के साथ तो इस सुन्नत पर अमल कर लो कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करता है तुम्हें नुकसान पहुंचा देता है तुम्हारी जड़ें काटता है तुम्हारे खिलाफ प्रापीडंडा करता है तुम्हें गाली देता है तो ये सोचो कि आप वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है आप वसल्लम से बड़ा कोई नहीं मासुआ अल्लाह के तो इतनी अजीम हस्ती अगर उन्होंने कभी बदला नहीं लिया उन्होंने किसी के बारे में दिल में कोई चीज रखी नहीं कि इसने क्या क्या था मेरे साथ तो हम तो फिर उम्मी है तो हमारा क्या काम है कि हम बदला लें हमारा क्या काम है कि किसी को बुरा समझे हमारा क्या काम है कि किसी को हकीर जाने हो सकता है वो यूं कह दे आपसे हो सकता है कि अगर मुख्तर बात करता है तो यूं आपसे कह दे कि भाई किसी को बुरा ना समझो कोई तुम्हारे साथ कैसे ही सलूक क्यों ना करे हंसते रहो हो सकता है कि कोई फकीर आपको यह सबक पढ़ाए कि भाई हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम में सब बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को नफा पहुंचे तो कोशिश करो कि दूसरों के लिए तुम बाय से मुनाफा बन जाओ तुम्हारी जात से हर एक को फायदा ही पहुंचे नुकसान ना हो कभी हो सकता है कि वो यूं आपसे कह दे कि हदीस है आप वसल्लम का फरमान है कि तुम में बदतरीन शख्स वो है जिसके शर्त से लोग खौफजुदा हो तो इस चीज से बचना कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि लोग तुमसे डरने लगे खौफजुदा हो जाए ये पढ़ाने का तालीम देने का एक अंदाज है हो सकता है क्यों वो अल्लाह इल्म के ऐसे मकाम पर हो जहां गुफ्तगू नहीं होती खामोशी की जुबान चलती है तो वो सिर्फ खामोश बैठे और आप उससे सीखते चले उस खामोशी की जुबान को पढ़ते चले जाएं आप ऐसे फकीर भी मिलेंगे आपको जो गुफ्तगू नहीं करते खामोश बैठते हैं लेकिन उनके शागिर्द उनके इर्द गिर्द बैठे हुए सीखते चले जाते हैं ये फकीर उन राहों पर आपको ले जाएगा जो सुन्नत पे चला रही होंगी सुन्नत की राह पे लेके जाएगा क्योंकि फकीर बहुत क्लियर है इन इज ओन माइंड कि सुन्नत की राह के अलावा कोई सेफ रास्ता नहीं है ये सुन्नत की राह है जो रब तक ले जाएगी हमें हम लोग खासतौर पर मैं मुझे अपना पता है आप तो भले लोग हैं अच्छे लोग हैं मैं औलाद की तकलीफ को देख के तड़प उठूंगा मुझे कभी भूले से ख्याल नहीं आया कभी भी नहीं आया कि आप अलैहि वसल्लम को अपनी सबसे छोटी साहबजादी बीबी साहेबा रज आपसे बेपना मोहब्बत थी बीबी साहबा चक्की चला चला के हाथ पर गठे पड़े हुए थे शाने पर पानी का मशीजा उठा उठा के स्ट्रैप का निशान आ गया था और आप वसल्लम महबूब खुदा हैं। आप वसल्लम नबी हैं। है इमाम हैं दोनों जहां के खजाने आपकी ठोकरों पर पड़े हैं इतनी मोहब्बत के बावजूद कभी दुनिया आता नहीं की वहां और जब बीबी साहब ने एक बार शिकायत कर दी तो आपने उस शिकायत पर भी स्वाय नसीहत के कुछ नहीं किया इसलिए कि औलाद बहुत बड़ा इम्तहान है इंसान के लिए तो ये सुन्नत की राह ही असल में वो राह है जिस पर फकीर चलता है और अपने पास बैठने वालों को चलाना चाहता है वो जानता ही एक राह है वो है सुन्नत की इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है तो जो इंसान सुन्नत की राह पकड़ता है वो दर हकीकत कुरान पर अमल कर रहा है और कुरान पर अमल ही सलामती की राह है ये साहब ने सवाल पूछा हुआ है कि किसी कहा किताब में पढ़ा था कि एक मुरीद का रवैया अपने मुर्शद के साथ ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक मुर्दे का गुस्सा के हाथों हो में होता है मुर्दे की अपनी कोई मर्जी नहीं होती बल्कि गुस्साल जैसे चाहे उसे हरकत देता है तो क्या ये तशबीर दुरुस्त है तस्बीहात में उसके अल्फाज पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो तमसील है जो मिसाल है वो तो सिर्फ मि मिसाल है मैं भी एक जमाने में भटका था ये बात सुनकर मेरी दुनियावी तालीम ने मुझे भटकाया एक बार मैं अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में बैठा था तो मेरे मुर्शिद साहब ने फरमाया बात हो रही थी इल्म की उस पर बात करते करते फरमाने लगे क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थे तो बोलते इसी अंदाज में थे कि मियां मुर्शिद को तो रब का दर्जा देना पड़ता है तो मैं तो सर से पांव पाँव तक कांप गया कि ये क्या कह दिया मुर्शद साहब ने तो शिरक कर दिया ये नहीं समझ पाया कि मुझे ही कुछ समझ नहीं है वो तो, तो सही कह रहे तो कुछ अर्से के बाद बात, बात खुद बहुत समझ में आ गई कि वो तो एक मिसाल थी कि जिस तरह रब के सामने इंसान की अपनी कोई मर्जी नहीं है रब के किसी हुक्म पर क्यों कैसे कब किस तरह ये पांच काफ नहीं बोले जा सकते वहां सिर्फ और सिर्फ यस्सर का एक लफ्ज है इसी तरह मुर्शद के सामने मुर्शद की किसी भी बात पर ये क्यों कब कैसे किस तरह ये अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल देने पड़ते हैं अगर हमें मुर्शद से कुछ सीखना है तो।, तो ये बात में बहुत देर में समझ में आई कि मेरी थी कि मैं उनकी उस बात को सर नहीं तो समझ पाया था तो अगर मुर्शद से कुछ लेना है बल्कि किसी भी शख्स से जहां हम सन सीखने जाते हैं अगर मैं टेक्नीशियन का काम करता हूं कार मैकेनिक का काम सीख रहा हूं तो वहां जो उस्ताद है मेरा उसके सामने अगर मैंने ये अल्फाज इस, इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कब कैसे किस तरह क्यों तो मैं सीख नहीं सकूंगा अगर मैं हर उस बात पर अमल करता रहा जो वो मैकेनिक मुझे बता रहा है तो मैं सीख जाऊंगा काम तो जब मुर्शद साहब आपसे कोई बात कह दें तो भले हमारी अकल उसे तस्लीम न कर रही हो उसको मान लेना चाहिए और बिलाकर फायदा ही होगा यही बात मैं वालदा के बारे में कहता हूं कि इंसान की वालदा जो हुक्म दें भले हमारी तालीम हमारी अकल हमारी फहम हमारी फ़रासत हमारा तजर्बा चीख चीख कर ये कह रहा हो कि वालदा की बात मानने में नुकसान हो जाएगा मान लेनी चाहिए रब अपनी रहमत के सद के उस नुकसान को नफे में बदल देता है ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है वालदा की हर बात को बगैर किसी चूर चरा के तस्लीम कर लीजिए उस पर अमल कर लीजिए जहां यकीनी तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा था वहीं फायदा हो जाएगा तो मुर्शद और मां बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं कि असल तो मां है वालदा से पढ़कर कोई अल्लाह नहीं है इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि जिंदगी रब ताला की बहुत बड़ी नेमत है इस पर मेहरबानी करके रोशनी डालें मैं नहीं समझ पाया कि क्या इस सवाल से आपका क्या मतलब है भाई अगर जिसको आप नेक्स्ट संडे के लिए जरा सा वाजे कर दें सवाल को मैं तो एक बात जानता हूं कि जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है अगर उसको हमने इस अंदाज में गुजारा कि रब की और जीना दूसरों के लिए मगर ये मोटो हो गया हमारा जिंदगी का ता हम रबकी करेंगे और जिएंगे हम दूसरों के लिए तो जिंदगी रहमत है वरना ज़हमत। एक सवाल किसी साहब ने पूछा है कि मुल्तान में हज़रत शाह गर्देस का मजार है उनकी शख्सियत के बारे में फरमा दें और मरकट पर एक गोल सुराख है ये क्या है इसके बारे में बहुत सी रवायात मशहूर हैं और एक रवायत ये है कि जनाब हजरत बहाब्दीन जिक्रिया रहमत जो अपने वक्त के गौस थे उनके साहबजादे थे वो भी वल्ला थे शागिरदेस का इंतकाल हो गया और लोग वहां फातिया पढ़ने जाते थे इन तक शाह हजरत बहाबीन जिकिया रहमत साहब के साहबादे जनाब सदरुद्दीन साहब उन तक ये मालूम इंफॉर्मेशन आई कि जो भी जाके वहां सलाम करता है तो अब्वाकूम की आवाज भी आती है और कब्र में से एक हाथ बाहर आता है मुसाफे के लिए तो जनाब सदुद्दीन साहब तशीफ तो ले गए शाह साहब के मजार पर और जाके सलाम बावाज़ बुलंद सलाम अर्ज किया तो वो हाथ वहां से निकला तो जनाब सदुद्दीन साहब ने हाथ तो मिला लिया लेकिन साहब तो फरमाने लगे कि देखो ये खिलाफ शरा हरकत है इससे खल के खुदा गुमराह होगी ये काम न करो तो उस रवायत के मुताबिक खबर से आवाज आई कि ठीक है आज के बाद से ये नहीं होगा लेकिन तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानेगा एक वहां रवायत मशहूर है और वो सराख आज भी वहां है उस पर लकड़ी का एक कवर रखा रहता है ये सर रवायत है जो मैं बयान कर रहा हूँ मेरे इलम में नहीं इसलिए मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता मैं रवायत कोट कर रहा हूँ तो ये अजीब इतफाक है कि हज़रत बहाद्दीन जिक्रिया रहमत बहुत नामवर हुए है गौत थे अपने वक्त के आपके पोते जनाब रुकने शाहरुख ने आलम साहब बहुत नामवर है और जनाब शाहरुख ने आलम साहब का मजार उसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है टॉलेस्ट टोम ऑफ द वर्ल्ड ये वहां रिकॉर्ड में है रिकॉर्ड है कि सबसे ऊंचा मजार वो है दुनिया का <ratio> लेकिन शाह सदुद्दीन साहब के बारे में लोग ज्यादा वाकिफ नहीं है ये रवायत है शागि अहात तो इसी का एक दूसरा हिस्सा है कि अहियात मजार में नक्शपा हजरत अली कर मलव जो है उसकी क्या हकीकत है क्या ये असली है मैंने देखा नहीं लेकिन अगर कभी मैं मुल्तान गया इतफाक हुआ मुझे तो मैं जरूर वहां किसी से पूछ कर देखूंगा और ये हस्तियां बड़ी अजीम है आप वसल्लम से कोई चीज अगर निस्बत रखती है तो एक लम्हा नहीं लगता उसको पहचानने में बल्कि बहुत दूर से देखकर इंसान पहचान जाता है कि ये असली है इसी तरह जनाबली वजह से मुतालिक अगर कोई चीज है तो एक सेकंड में पहचानी जाएगी मैं देखूंगा इसको उसके बाद मैं कुछ कह पाऊंगा आपसे बगैर देखे और बगैर जाने बात करूंगा तो झूठ हो जाएगा वो एक सवाल है कि आपने एक नशिस्त में सुरह बकरा के पहले तीन रकू पढ़ने के बारे में बताया था अर्ज है कि ये मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने हैं या ईशा की नमाज के इसी तरह शुरह तकाबुन और शुरह सबाह ये दोनों मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी है या ईशा की नमाज के जवाब मैं आपका दे देता हूँ उसकी तरफ से अपनी तरफ से अर्ज कर दूंगा ये नमाज फजर के बाद पढ़ने के हैं सुरह बकरा के पहले तीन रकू और इसी तरह सुरह तकाबुन और सुरह सबा ईशा की नमाज के बाद लेकिन दोनों एक वक्त पे ना पढ़िएगा वन आफ्टर दी अदर पढ़ने की चीज है कि एक आप पढ़ लीजिए छह सात महीने पूरे कर लीजिए उसके बाद फिर दूसरी सूरह पढ़ लें मालूम नहीं क्यों हम इन्हीं किस्तों में उलझे हुए हैं जहनी तौर पर कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें यू कर लें यू कर लें सीधी सीधी बात है कि आप अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हजूर एक बात हम क्यों नहीं अर्ज कर देते या और या बारी ताला मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपकी जात चाहिए वो गई खत्म हो जाता है कोई झगड़ा ही नहीं है यही मैंने एक जमाने में अर्ज किया था कि मेरे मुर्शिद साहब ने एक दिन हम दोनों तनहा बैठे थे मैं और मुर्शिद साहब बड़े मूड में थे और कमाल की इल्म की बातें कर रहे थे बहुत ही बुलंद पाया तो बातें करते करते फरमाया और मैं फिर एक बार यही समझा कि साहब ने क्या शिरक बोल दिया तो बड़े जोश में कहने लगे कि मिया मैंने तो एक दिन रब से कहा कि उठा अपना सब कुछ भाग यहां से मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ अपना जिक्र छोड़ जा तो एक बार तो मैं कांपा के ये क्या है लेकिन एकदम से समझ आई कि अगर ताला अपना जिक्र छोड़ गया तो लेके क्या गया अपना सब कुछ तो दे गया वो भाई तो हाँ, ये किन किस्सों में बैठे हैं क्या मिल जाएगा अगर किसी फकीर का खरका भी मिल गया तो क्या लिया आपने अगर वजारत मिल गई या प्रीमियरशिप मिल गई किसी मुल्क की तो क्या लिया आपने आप मुझे जरा ये तो बता दीजिए कि एक हस्ती यहां सो रही हैं जिनका नाम है जनाब जिनाबदाता बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके पास कौन सी वजारत उजमा थी या वजारत थी कौन सी दौलत थी क्या उहदा था क्या मकाम था एक झोंपड़ी लेकिन जरा ये तो मुझे बताइए कि बड़े से बड़ा आदमी वहां जाता है चाहे वो मुल्क का सदर हो प्राइम मिनिस्टर हो कोई मिनिस्टर हो कभी पुष्ट करके वापस नहीं आया उल्टे पांव चल के आता है तो उदा और दौलत शोहरत और इज्जत ये है या वो दौलत इज्जत और शोहरत है जो हम सड़कों पर देखते हैं जिस दिन हम इन किस्सों से निकल गए कि ये वजीफा पढ़ने से फला मिलता है ये वजीफा पढ़ने से ये मिल जाएगा और सिर्फ एक चीज पर नजर रखी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने चाहिए बस बेड़ा पार हो जाएगा सवाल रह गए हैं बेषरती जिंदगी अगली इतवार ताला इस पर बात करेंगे तक के लिए इजाजत असलामकुम